सरों का। के करीब रहे पूर्व मंत्री रामदास कदम ने छोड़ा साथ, थामा एकनाथ शिंदे का हाथ। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। आप सांसद संजय सिंह को बीजेपी का जवाब, संबित पात्रा बोले धर्म और जाति से ऊपर है सेना। गोएयर के दो विमानों में आई तकनीकी खराबी, एक फ्लाइट दिल्ली तो दूसरी श्रीनगर भेज गई। बीसीसीआई संविधान संशोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे को वर्चुअली उपस्थित होने की दी अनुमति। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर अमेठी से है, जहां तिलोई में बने हेलीपैड पर सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरा। बता दें कि कुछ दिन पहले लंबी बीमारी के चलते राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के भाई का निधन हो गया था, जिसके बाद सीएम योगी स्वास्थ्य राज्य मंत्री के यहाँ 13वीं कार्यक्रम में शामिल हुए। खबर संत कबीर नगर से है, जहां मनरेगा योजना को ग्राम प्रधान और ब्लॉक के जिम्मेदारों ने मिलकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है, जिसकी शिकायत डीएम समेत जिले के आला अधिकारियों से की गई। वहीं मनरेगा मजदूरों का कहना है कि उन्होंने पोखरा सुंदरीकरण का कार्य नहीं किया, उनके खाते में पैसा आया और ग्राम प्रधान ने निकलवा कर ले लिया। कुछ नहीं हुआ मनरेगा का, और 80 आदमी का 32 हाजिरी लगाई गई, और 32 हाजिरी लगाने के बाद जो पैसा हुआ, बहुत सब आदमी लोग से पैसा निकलवा के और अपना ले लिए अस्पताल प्रधान, और किसी किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि पैसा कैसे निकला, वो भी निकाल लिया। जैसे काम ना किए ना, पैसा खाते में आए और कहीं के निकाल के दे, निकाल के दिए। कौन कहा निकाल प्रधान? कितना पैसा निकलवाए? 34। मामला यह है, पैसा उसमें आया, पैसा प्रधान निकारे बोले, निकाल दिया। कितना पैसा आया? 3400। वो बोलते हैं कि मेरे पैसा है, निकाल को दो। मनरेगा योजना के अंतर्गत गांव में जो हमारे बेरोजगार परिवार हैं उनको 100 दिन का रोजगार देना, ग्राम पंचायतों में अस्थायी पर संपत्तियों का निर्माण कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आप जो शिकायत कर रहे हैं पशु पोखरिया की, इसका अभी मुझे इसके बारे में बताया नहीं गया है, मैं अपने शिकायत लिपिक से इस संदर्भ में वार्ता करूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। खबर औरैया से है, जहां पर सरकारी अस्पताल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। लोगों का आरोप है कि यहां पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से लोगों का इलाज टाइम से नहीं हो पा रहा है। प्राइम टीवी की टीम इस 50 बेड के अस्पताल में जब रिजल्ट चेक करने पहुंची तो यहाँ पर इमरजेंसी में तो उपचार होता हुआ दिखाई दिया, मगर कान दांत और गले के डॉक्टर मौजूद नहीं थे और ना ही बच्चों के डॉक्टर। साथ ही सरकारी अस्पताल के चिकित्सक पीएस प्रताप सिंह ने बताया कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसलिए डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां पनप रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो भोजन हल्का करें और लिक्विड चीजों का सेवन करें। किस अस्पताल में हो? सरकारी अस्पताल। किस जगह पर? औरैया। क्या दिक्कत है आपको? दर्द हो रहा है। डॉक्टर मिल गई? डॉक्टर साहब आएंगे, थोड़ा भीड़ आई है इसलिए। हाँ, बात देते हुए अम्मा दवाई भी मिल गई यहाँ पर? क्या दिक्कत थी? अच्छा, कहाँ पर दिखाई आप? डॉक्टर साहब मिल गए ना? टीवी की टीम
औरैया के पिता सही अस्पताल में पहुंची, वहां पर गर्मी और बारिश को लेकर डॉक्टरों से राय लेंगे किस तरीके से लोगों को उपचार करना चाहिए, क्या बचाव के उपाय हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रियेश प्रताप सिंह है। जब साहब बरसात का मौसम कठिन है और गर्मी भी चल रही है, तो अब लोगों को क्या बचाव करना है, क्या सलाह देना चाहेंगे? जैसे देखिए बरसात का मौसम अभी भी आया हुआ है, तो बरसात के मौसम के लिए सबसे पहले तो खान पान पर अपना ध्यान रखिए, और जो जगह जगह से पानी भरा हुआ रहता है उसमें क्या नाम डेंगू और मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं, वहाँ से बचाव रखना चाहिए। और हवा का छिड़काव अपने आप कहीं में पानी संग्रहित ना होने दें, और धूप से बचाव रखने के लिए अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड करने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में लिक्विड इंटेक करना चाहिए, और जितनी भी हाइड्रेटेड चीज़ें फल फ्रूट सारी चीज़ें खानी चाहिए, गर्म चीज़ें खाने से बचना चाहिए, जितनी भी तली हुई चीज़ें खाने से। वही बात की जाए कि इस टाइम मरीज बच्चों की संख्या ज़्यादा है, बुजुर्गों को इस टाइम सबकी संख्या ज़्यादा है, बच्चों में भी फीवर काफ़ी बढ़ रहा है, फीवर जो बार बार आता है उतर जाता है, तो उसके लिए जांच के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें मलेरिया टाइफाइड निकल के आ रहे हैं, और सारे वर्गों की संख्या अब बढ़ रही है इस टाइम, फीवर की, लूज मोशन की, और पेट में दर्द और बाकी अन्य बीमारियाँ। वही हमारे साथ में अस्पताल में मरीज भी है, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। भैया क्या नाम है आपका? संजय जी, अस्पताल में क्या है, क्या बच्चों को बताना है कि बच्चों वाला डॉक्टर कोई भी नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, डेंटल का भी कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, और बच्चों को भी शैम्पू निकलवाना था तो जैसे सीधा कॉटन लगा दिया, उसमें स्टाइल भी करनी लगाई है, बच्चों को चक्कर आ गया, कोई व्यवस्था नहीं है, कोटुड़ी में अभी हम सरकारी कार्य वहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं भी फोन लगा के देखता हूँ, कोई व्यवस्था नहीं, आप कोई भी डॉक्टर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मरीज को क्या कोई दिक्कत नहीं है, चार नंबर में आप चले जाइए ओपीडी में, पाँच नंबर में चले जाइए, छः नंबर में चले जाइए, कोई स्टाफ नहीं, कुछ भी नहीं है। भाई डॉक्टर ने बताया लोगों को कि बरसात के माह में कटे बड़े फल ना खाएं, साफ़ सुथरा पानी रखें और साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। भाई लोगों से भी बातचीत की कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर डॉक्टरों की सुविधा नहीं है, किसी का इंतजाम सही से नहीं हो पा रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही प्रेम टीवी के लिए क्या जगता है और ही है। हिंदी साहित्य के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के गृहनगर प्रयागराज में उनकी सबसे चर्चित रचना मधुशाला पर आधारित 500 पेंटिंग्स युवा कलाकार पूनम किशोर ने बनाई है। इस एक्शन पेंटिंग में कल्पना के साथ रंगों का ऐसा अनूठा संयोजन किया गया है जिन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे पूरी मधुशाला रंगों में उतर आई हो। पूनम किशोर की इन पेंटिंग्स की हरिवंश राय के बेटे और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने अपने बाबूजी की विरासत से जुड़ी इनमें से कुछ पेंटिंग्स को अपने पास रखा है। वहीं पूनम का भी सपना था कि उनकी ये पेंटिंग सदी के महानायक के घर तक पहुंचे। करीबन 15 साल हो गए मुझे मधुशाला पे काम करते हुए। मधुशाला से पहले जब मैंने पढ़ी नहीं थी हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला, तो मुझे लगता था कि ये कोई पीने वाले से ही रिलेटेड कोई संबंधित कुछ होगा, लेकिन जब मैंने मधुशाला पढ़ी तो वो एक ब्रह्मांड एक रूप है, एक कि आप जितना उसके अंदर घुसते जाएंगे आपको मतलब कि अंत होगा ही नहीं। तो मैंने मधुशाला जब पढ़ी तो मैंने 550 पेंटिंग्स बनाई, और उसमें मुझे भारत सरकार की तरफ से HRD स्कॉलरशिप भी मिला। और ललित ने मधुशाला की का जो साहित्य, मधुशाला की जो काव्य है हरिवंश राय बच्चन जी ने जो लिखा था उसको उन्होंने अनुभूति किया और उसको रंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। साहित्य को समझना और उसको परखना और उसके बाद रंगों के माध्यम से प्रस्तुत करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फन है। कहते हैं जाको राके साइयां मार सके न को, ये कहावत मथुरा के शहर कोतवाली इलाके में चरितार्थ उस समय देखने को मिली जब एक पिता पुत्र छज्जा गिरते समय उसके नीचे दबने से बाल बाल बच गए। 2 सेकंड में मौत को मात देकर बचे पिता पुत्र का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल डैम्पियर नगर में संस्कृत विद्यालय का ये मामला है जहां पर छज्जा गिरा था। इस छज्जे के नीचे पिता पुत्र अपनी स्कूटी पर बैठे थे, तभी अचानक छज्जे का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा।
खबर औरैया से है, जहां सदर कोतवाली के रोडवेज बस स्टैंड के पास अज्ञात कारणों से मूंगफली के कारखानों में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गन्ने की खोई थी जो मूंगफली वगैरह ढूंढने के लिए इन्होंने इकट्ठा कर रखी थी, जैसे ही सूचना मिली वहाँ पहुँच के और उस आग को जो है पूर्णतः बुझा दिया। अब स्थिति क्या है? सामान है, आग को पूरी तरह बुझा दिया है, हम लोग वापस हो गए। ये आग हम दुकान पे रहते सर, आग ही लगी, एक लड़का भागता हुआ गया, वो बताने लगा आग लगी है। जो किस चीज़ की ये दुकान आपकी? ये मूंगफली की है सर। हाँ, मूंगफली भूजी से आग में। आग किस में लगी है? गन्ना भी तो गरी है, मैं आग लग गई। तो कोई नुकसान आपका? ना नुकसान नहीं है सर। फायर ब्रिगेड गाड़ी कितनी देर बाद आई? 15-20 मिनट बाद आएगी ये थी सर। किस मोहल्ले में है? बेलम लगा बोली जान सर। बांदा जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी चौराहे के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल राजकीय इंटर कॉलेज के जर्जर भवन को दोबारा से बनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं ये छात्र। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए जर्जर भवन को दोबारा बनवाने की मांग की है। उनका कहना है कि भवन बनवाने का बजट 1 साल पहले ही पास हो चुका है, पर जिम्मेदार अपना काम करने से कतरा रहे हैं, जिसके बाद छात्रों ने सिटी मजिस्ट्रेट केशव नाथ गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा GIC जर्जर भवन के संबंध में और छात्रावास निर्माण के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कार्रवाई का आरम्भ किया जाएगा। कॉलेज बांदा में जो है भवन निर्माण के लिए बजट पास हुआ था, तो उसके बाद उसमें कोई मतलब कार्य नहीं चालू किया गया, अभी तक वो 1 वर्ष हो गए। तो उसी के साथ विद्यार्थी परिषद ने जो है आज इधर पे कचहरी चौराहे में विरोध प्रदर्शन का, जिला प्रशासन का विरोध प्रदर्शन तय किया था, तो उसी के अनुसार हम लोग विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक इधर में कोई भी जिला प्रशासन का अधिकारी आकर हमसे ज्ञापन नहीं ले लेंगे और कथा में आश्वासन नहीं देंगे पूर्णता कि कथा 1 हफ्ते के अंदर उधर काम चालू हो जाए, तब तक विद्यार्थी परिषद ऐसे नहीं होती। कितनी देर से बैठे हुए हैं आप लोग? कितनी देर से बैठे हुए हैं आप? हम लोग करीबन आधे घंटे इधर बैठे हुए हैं, अभी तक कोई भी प्रशासन का अधिकारी हमारे पास तक नहीं आया और ये पूरी रोड जाम है। खबर कानपुर से है, जहां महापौर प्रमिला पांडे ने मंगलवार को जलकर का एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके बाद नगर निगम के गृहकर की तर्ज पर अब जलकल विभाग का जल और सीवर कर उपभोक्ता घर बैठे मोबाइल ऐप से जमा कर सकेंगे। आज एक ऐसा ऐप बड़ा सिस्टम हमारे यहाँ से हुआ है कि उसके माध्यम से पब्लिक को कोई परेशानी नहीं, घर बैठे अपना टैक्स जमा कर सकते, क्योंकि जो हमारे शहर का करीब 20% ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे बाहर विदेशों में हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, यहाँ आ नहीं पाएंगे। इसको देखते हुए मैंने GM साहब से बात करके, नगर आयुक्त से बात करके, ये ऐप का हमने अपने यहाँ पहला पूरे क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में हमारा जल संस्थान पहले नंबर पर है कि जो बुजुर्ग यहाँ आ नहीं सकते, जो विकलांग यहाँ आ नहीं सकते, जो अपने घर से यहाँ आने में उनको संकट, और दूसरी बात सबसे बड़ा इससे ये फायदा होगा कि आदमी के पास सवारी का साधन नहीं तो यहाँ आने तक का भी, जैसे मान लो कोई चकेरी से आया तो 200 रुपये होगा तभी यहाँ तक आए, उसका भी हमने सबका ध्यान रखते हुए घर बैठे आप अपना वहाँ से, हमने सब ऐप में सब है, आप अपना मोबाइल नंबर, आप अपना बैंक का चेक नंबर, आपका खाता नंबर दे दोगे, आराम से वहीं घर बैठे एक बटन दबाओगे और अपने मकान का सब व्यवस्था आपके घर बैठे होगी। खबर रामपुर से है, जहां आश्रम पद्धति स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से बच्चों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और लगभग 150 बच्चों ने विद्यालय के अंदर ताला लगाकर खुद को कैद कर लिया, जिसके बाद बच्चों ने DM से मिलने की मांग की। यहां पे जो आश्रम पद्धति का विद्यालय है, इसमें हॉस्टल में लगभग 150 बच्चे हैं जो कि अपने आप को हॉस्टल के अंदर ताला मारकर अंदर कर लिए, बंद कर लिए हैं। उनकी समस्याओं का समाधान के लिए ही हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं।
लेकिन उनके द्वारा इस प्रकार की बात की जा रही है कि हम अपने ताला से नहीं खोलेंगे और न खोलने से उनसे संवाद नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनके हम जितने भी गार्जियंस हैं उनको संपर्क कर रहे हैं और उनको यहाँ पे बुला रहे हैं। खबर फतेहपुर से है जहां 7 साल के बच्चे से कुकर्म के बाद बच्चे की सिर कुचल कर हत्या कर दी गई। बता दें हत्या के बाद शव को आंगन में गाड़ दिया गया, जिसकी खबर मिलते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। आलमपुर नरही ग्राम हुसैनगंज थाने में है, यहाँ पे अजय सिंह के 7 वर्षीय पुत्र के साथ दुष्कर्म करके और उसकी हत्या कर दी गई है। आरोपी को पकड़ लिया गया है और फील्ड यूनिट की टीम है, सारे अधिकारी गण हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इसको जेल भेजा जाएगा और पूरी कोशिश होगी कि इसके विरुद्ध जो भी साक्ष्य हो एकत्र करके इसको बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जाए। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो।